एवरीवन, वेलकम टू पैनासोनिक कुकिंग। आज हम बनाएंगे पैनासोनिक के माइक्रो में हैदराबादी पनीर ग्रेवी। उसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये जो इंग्रेडिएंट्स लिए वो जान लेते हैं। पहले यहाँ पे हमने 200 ग्राम्स पनीर लिए, क्यूब्स में कट कर लिए। खड़े मसाले हैं, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची है, रेड चिली है, इलायची छोटी वाली, लौंग, काली मिरी और सिनेमन सीड। फ्रेश क्रीम लिया है और दही लिया है। यहाँ पे मसाले में हमने जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काश्मीरी मिर्च है और ये धनिया पाउडर, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी और कुछ सॉल्ट लिया है एज़ पर द टेस्ट, ऑयल। एंड ये ग्रेवी हमने कैसे तैयार की, यहाँ पे हमें 4 टमाटो लेने हैं, 2 ऑनियन और अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज। इसमें 2 चीज़ ऐड है जो कि हम हैदराबादी पनीर ग्रेवी बनाने में ऐड करते हैं। थोड़े से पालक लिए हैं और थोड़ा सा हरा धनिया, उसे भी आपको पका कर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और ये पेस्ट रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक ग्लास का बाउल ले लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ पे ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लिया है, नॉर्मली जब भी आप एक ग्रेवी बनाते हो थोड़ा ऑयल हम ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे हम इसे करते हैं हीट। आप ओवरऑल इसमें टाइम हम लगा देते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे 12 से 15 मिनट का टाइम। हमने 13 मिनट सेट किया और करते हैं स्टार्ट। 1 मिनट बाद जब ऑयल हमारा हीट हो जाएगा, हम सारे खड़े मसाले इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारा ऑयल हो गया हीट, ऐसे बाहर, और इसमें हम ऐड करेंगे अभी ये सारे खड़े मसाले। रेड चिली को हम बाद में ऐड करेंगे, उसे अगर आप अभी ऐड कर दोगे तो वो तुरंत ही ब्लैक हो जाएंगे, तो हम बाद में ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमारा मसाला हो जाएगा, वो 30 सेकेंड करेंगे इसे। सो हमारे जो खड़े मसाले वो हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं रेड चिली और फिर ये ऐड कर देंगे हम इसमें ग्रेवी। रेड चिली ग्रेवी के साथ ही हो जाएगी। अब इसमें हमें ग्रेवी ऐड करके इसे करेंगे कुक नियर बाय 4 to 5 मिनट्स। ऐसे हमने ग्रेवी अंदर रख दी है, अब इसे हम कुक करेंगे कंटिन्यू 3 से 4 मिनट। यहाँ पे अभी 10.22 सेकेंड पेंडिंग है, हम 3-4 मिनट के बाद उसे चेक करेंगे। हम एक बार इसे चेक कर लेंगे, देख सकते हो कैसे ये कुक हो रही है। हमने इसमें बहुत कम ऑयल यूज किया है, इसे अभी हम और कुक करेंगे। फिर 1 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारे जो मसाले हैं, इसे रख देते हैं। आफ्टर 1 मिनट हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अभी हम एक बार चेक कर लेंगे, 1 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। यहाँ पे हमने ये ग्रेवी आप देख सकते हो कैसे हुई है। इसमें हम ऐड करते हैं सारे स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। हम ये 2 मसाले जो हमारे हैं, एक है गरम मसाला और कस्तूरी मेथी, इसे हम एंड में ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स और इसे कुक करेंगे हम 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे मसाला भी अच्छे से पक जाए। रख देते हैं पैनासोनिक माइक्रोवेव में, तो यहाँ पे हम करेंगे वहीं से कंटिन्यू। हमने मसाला भी रोस्ट कर लिया है, एक बार से करते हैं चेक। अब देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये कुक के रेडी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करते हैं ये पानी, जो बची हुई ग्रेवी थी उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे क्योंकि ग्रेवी हमारी बहुत थिक है। अभी ये प्रॉपर है, कुक होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब पनीर के क्यूब्स भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। सारे क्यूब्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसे रखते हैं पैनासोनिक माइक्रोवेव में, जो हमारा पेंडिंग टाइम है वहीं से करेंगे कंटिन्यू।
हमारे माइक्रो में दे दी यहाँ पे बीप की साउंड, हम एक बार देख लेते हैं ग्रेवी कैसे कुक हो रही है। अब देख सकते हो अभी ये प्रॉपरली बॉईल नहीं हुई है, हम इसे फिर से रख देते हैं पैन सारी माइक्रोवेव में और इसे टाइम दे देंगे 3 मिनट का और करते हैं स्टार्ट। इसे करते हैं चेक, अब देख सकते हैं कितना अच्छा बॉईल आ गया है। इसे हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे, पनीर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं अब देख सकते हो। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, थोड़ा सा हमें दही डालते वक्त ध्यान देना होगा नहीं तो ये फट जाएगा दही इसमें। तो हमने 2 टेबलस्पून दही इसमें अच्छे से ऐड कर दिया है, इसे हम बाहर ही मिक्स करेंगे अंदर नहीं रखेंगे। दही हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, उसे बाहर ही रखा है थोड़ा, और इसमें अब हमें ऐड करें गरम मसाला और अब ये कस्तूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे करेंगे स्टर और इसे जो हमारा पेंडिंग टाइम है उसके लिए रख देंगे पैनासोनिक माइक्रोवेव में। जो हमारा पेंडिंग टाइम है उसे करेंगे कंटिन्यू। यहाँ पे हमारा टाइमर हो चुका है कंप्लीट। वाओ बहुत अच्छा टेक्सचर आया है आप देख सकते हो। अब इसे हम कर लेंगे सर्व। इस तरीके से हमने इसमें गार्निश कर लिया है, इसमें हमने फ्रेश क्रीम डाल के अच्छे से गार्निश कर लिया है। इसी के साथ हैदराबादी पनीर ग्रेवी बनके रेडी हो गई है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और भी यूनिक और नई रेसिपीज के साथ।